इधर इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने पहले नाबालिग का अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने थाने में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन नाबालिग के मिलने के बाद उसके बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। वहीं DCP ने बताया कि आरोपी महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला है। मार्च में एक नाबालिग बच्ची थी, उम्र 15 साल की। ये मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है। यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर पे रहने आई थी और कुछ अपने माता पिता के इलाज कराने हेतु यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ पर आरोपी जो है वो भी जलगांव में से उसके पहचान का था और उसके द्वारा यहाँ से उसको किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मूलतः ये किडनैपिंग का मामला था, परंतु बच्ची के बयान के आधार पर इसमें दुष्कर्म की भी धाराएँ आगे बढ़ाई गई हैं।